स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमने लिबरलाइजेशन पूरा ख़त्म कर दिया है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जो आजकल भी आप लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देख रहे होंगे, बहुत सी कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट हो रही हैं। तो जब आपके 5 ईयर प्लान्स चल रहे थे और जो इकोनॉमिक पॉलिसी उसके बाद अमेंडमेंट्स के लिए आई, उसमें प्राइवेटाइजेशन का क्या रोल था? ठीक है, व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑल अबाउट? सो अ प्राइवेटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। इसका मतलब होता है कि कोई भी एक पब्लिक सेक्टर चल रहा है, पब्लिक इंडस्ट्री है, उसमें कैसे वो पब्लिक इंडस्ट्री होती है कि उसके 51% शेयर्स अगर गवर्नमेंट के पास हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब प्राइवेट सेक्टर में करने का मतलब है कि जब ओनरशिप या तो पूरी तरीके से दे दी जाए प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, या जो मैक्सिमम शेयर्स हैं वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास चले जाएं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, मींस विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। ठीक है, मतलब कि कोई भी पब्लिक सेक्टर जब है, जब वहाँ से गवर्नमेंट की ओनरशिप, गवर्नमेंट इसको ओन करता है, ये चीज़ हट जाए वहाँ से, गवर्नमेंट वहाँ से अपने आप को बैक फ्रंट पे ले ले, तो दैट इज़ कॉल्ड योर प्राइवेटाइजेशन। अब ये दो तरीके से होता है। पहला, सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्राइज, या तो एक तरीका है कि जो उनका पहले पब्लिक सेक्टर था उसको पूरे के पूरे तरीके से प्राइवेट एंटरप्राइज को बेच दें, या तो withdrawal of government ownership and management from mixed enterprises, या तो क्या करें वो मिक्स्ड एंटरप्राइज चलाएं जिसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट का हो, कुछ शेयर जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस का हो, लेकिन मैक्सिमम इसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस का हो। तो ऐसे ये मिक्स करके चला सकते हैं, लेकिन इस पे जो मैनेजमेंट होगा, जो ओनरशिप होगी, वो आपकी होगी प्राइवेट एंटरप्राइज की। गवर्नमेंट उसमें रहेगा लेकिन डिसीजन मेकिंग या मैनेजमेंट उन सब में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि गवर्नमेंट ने सोचा इकोनॉमिक पॉलिसी में कि हमें अब प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है? अगर हम कोई चीज़ को ला रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कोई एक रीज़न होता है। अब हम वो रीज़न को पढ़ते हैं कि फेल्ट बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की क्यों ज़रूरत समझ में आई? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनका बहुत पुअर परफॉर्मेंस चल रहा था। अगर आज आप कंपेयर करें, जैसे कि आपका कोई मान लीजिए आप बैंक्स की ही बात करें, या किसी सर्विस की ही बात करें, किसी हॉस्पिटल की चलिए आप बात कर लीजिए, तो जब भी अगर आपके पास पैसा होता है तो आप ये नहीं सोचते कि हम क्यों जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हम गवर्नमेंट स्कूल्स में क्यों पढ़ें। बेसिकली लोग यही सोचते हैं कि नहीं, प्राइवेट सही है। क्यों प्राइवेट लोगों को लगता है कि अच्छा है, प्राइवेट की एजुकेशन लोगों को क्यों अच्छी लगती है? जॉब हर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहता है, लेकिन जब सर्विस की बात आती है, सर्विस हर कोई चाहता है कि प्राइवेट के लिए। क्यों? इस वजह से, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है कि आपको जितना आपने पैसा दिया है उसके बराबर आपको वहाँ पर आउटपुट मिलेगा। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, पैसा आपका बेशुमार लगेगा, ये चीज़ आपको पता है, लेकिन सर्विस भी आपको अच्छी मिलेगी। डॉक्टर टाइम टू टाइम आके देखेंगे, नर्सेस टाइम टू टाइम अटेंड करेंगी। यही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाइए, मोस्टली जो हम लोग के सामने केसेस होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है, डॉक्टर आते हैं नहीं तो नहीं आते हैं, मतलब एक चीज़ के लिए आपको बार बार दौड़ना पड़ता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये प्रॉब्लम आ गई कि लोग करप्ट होने लगे, लोग सैलरी उठा रहे हैं और उसके बाद बैठने की सैलरी उठा रहे हैं, मतलब काम करने का वो लोग और एक्स्ट्रा वहाँ पे ब्राइब लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। ये सब चीज़ें देखी गई जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, ऐसे एफिशिएंसी जो है बहुत कम हो रही है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो रही है पब्लिक सेक्टर की, तो अब प्राइवेटाइजेशन करना ज़रूरी है। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान, वेयर की रोल वॉज असाइन टू
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये जो PSU है इसको बेटा समझ लो, दिस इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। अब जब सेकेंड ईयर फाइव ईयर प्लान आया था आपका 1950 के बाद में, तो उसमें क्या मेंशन था सेकेंड हमारे फाइव ईयर प्लान में, कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था इसके पहले, स्ट्रैटेजी, राइट, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो उस फाइव ईयर प्लान में क्या मेंशन था कि अगर हमारी कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए तो इंडस्ट्री एक बहुत अहम उसमें रोल निभाती है, ठीक है, ये हमें पता था। लेकिन अंडर द IPR 1956 स्टेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ PCU इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। PCU में जो था वो IPR जो आपका 1956 था, इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन, उसमें क्या मेंशन था कि जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़रूरी है कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। PCU गेव स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री फॉर लाइवलीहुड, दैट गेव बेस टू द GDP। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 1956 का रेजोल्यूशन आया तो उसमें क्या मेंशन था कि लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपनी बढ़ानी थी, तो लोगों को समझ में आया कि इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी, जहाँ पे काम करने से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। एग्रीकल्चर से क्या हो रहा है, हम सिर्फ अपनी सब्सिस्टेंस जो है वो चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज में शिफ्ट होते हैं, इंडस्ट्री में हम एम्प्लॉयड होते हैं, तो हमें अच्छी सैलरी मिलती है जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होता है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बिकेम सोशल डेड वेट, ठीक है। अब इतना कुछ तो हमने पहले इनैक्ट किया था कि इतनी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से हमें ग्रोथ हमारा मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर था लास्ट में जाके वो सोशल डेड वेट बन गया, मतलब कि ऐसा भार जो सोशल जस्टिस के लिए बनाया गया लेकिन जिसको आज लोग ढो रहे हैं, ठीक है। लीकेज, पिल्फरेज, इनएफिशिएंसी एंड करप्शन हैज़ बिकम वेरी कन्वीनियंट इन PSUs फॉर विच प्राइवेटाइजेशन वॉज द ओनली सोल्यूशन। आज आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के पास जाइए, आपको कोई भी गवर्नमेंट का काम कराना होता है, आप अगर आपको एक्सपीरियंस होगा, आप देखेंगे 2 से 3 बार आपको वहाँ पे राउंड्स लगाने ही पड़ते हैं, एक बार में आपका काम नहीं हो सकता। वहीं आप प्राइवेट में जाइए, वो आपको भागने भी नहीं देंगे लेकिन आपका काम अप टू डेट हो जाएगा, ठीक है। यही डिफरेंस है कि लोग पब्लिक सेक्टर में क्या हुआ कि बैठने की सैलरी उठाने लगे लोग, इसकी वजह से ये सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर था वो डेट वेट बन गया, जिसमें करप्शन बढ़ता गया, इनएफिशिएंसी बढ़ती गई, गवर्नमेंट को लगा कि ये सब ढोने से अच्छा है हम प्राइवेट करते, हम नहीं कर सकते जब लोग इतने एफिशिएंटली काम करेंगे। तो इन 1991 द गवर्नमेंट स्टार्टेड सेलिंग इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। 1991 में क्या हुआ, जो इक्विटी शेयर्स आपके होते थे वो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया पब्लिक एंटरप्राइजेस को। बस जो महारत्न कंपनी थी, नवरत्न कंपनी थी, उनको होल्ड करके रखा। नवरत्न मतलब 9 ऐसे सेक्टर्स थे, कॉरपोरेट सेक्टर्स थे जिनको उन्होंने रिजर्व्ड रखा, उन्होंने नहीं वहां पे उसके शेयर्स बेचे, लेकिन बाकियों के शेयर्स उन्होंने बेच दिए। ड्यू टू द एफिशिएंट परफॉर्मेंस द नवरत्न्स वेयर रिटेन्ड विद द पब्लिक सेक्टर। जो नवरत्न कंपनीज थी उनको पब्लिक सेक्टर के पास रखा गया क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है। अब ये नवरत्न कंपनीज थे कौन कौन से, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ONGC, सेल, HP, भेल, IPCL, विदेश संचार निगम लिमिटेड एंड योर NTPC। ये वो कंपनीज थी, वो जो कॉरपोरेट सेक्टर्स थे पब्लिक सेक्टर में जो काम कर रहे थे, जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, और इनको गवर्नमेंट इनके शेयर्स नहीं बेची लेकिन बाकी सबकी इक्विटी उन्होंने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बेच दी। नाउ ऑब्वियस गेन्स एंड इम्पेरेटिव लॉसेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। हमें गेंस क्या क्या हुए प्राइवेटाइजेशन के, सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट, एफिशिएंसी कमिटमेंट बिकम द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल। क्या हुआ कि अब ऐसा नहीं है कि आप सोशल इंटरेस्ट हम उसके लिए काम कर रहे हैं, नहीं,
अब इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव आपको बनना पड़ेगा। आप एफिशिएंट हैं, कॉम्पिटेटिव हैं तो ही आप रहेंगे, नहीं है तो उसकी जगह वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ गया था। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू वर्क इन कॉम्पिटेटिव मार्केट। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन सस्टेन करने का सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बड़ा एक जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या कि वो मार्केट में कंपटीशन को डील करेंगे। अगर उनको सर्वाइव करना है तो वो कंपटीशन को डील करेंगे। कंपटीशन को डील करने के लिए उनको एफिशिएंसी से काम करना पड़ेगा, उनको पूरे लगन से काम करना पड़ेगा। काम चोरी अगर वो करते हैं तो वो कंपनी कभी भी कंपटीशन नहीं फेस कर पाएगी मार्केट का। तो अगर किसी को सर्वाइव करना है मार्केट में तो वो उसके लिए एफिशिएंट होना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा ये एक ऑब्जेक्टिव रहा। कंपटीशन लीड्स टू अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि अपग्रेडेशन होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है। अब जैसे पहले क्या होता था कि स्कूल्स में चलता था, अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाइए आप अपने लेवल पे, तो आप खुद एक कॉम्पिटिशन देख पाएंगे कि आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट स्कूल सब खराब होते हैं, लेकिन जो पहले की बात हो रही है यहाँ पे 1991 से 2000 के बीच का अगर आप टाइम देखें तो उस टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर्स के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। वहीं पब्लिक सेक्टर में बच्चों को ज़्यादा कुछ आता ही नहीं था क्योंकि उनको वहाँ पे टीचर्स इनके पढ़ाते ही नहीं थे। तो यही एक रीज़न था कि जो एजुकेशन सेक्टर है ये भी प्राइवेट की अगर आप बात करें तो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर बहुत आगे बढ़ा क्योंकि टीचर्स स्टार्टेड वर्किंग एफिशिएंटली। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था तो जॉब की कोई गारंटी नहीं थी। अगर आप कॉम्पीट कर रहे हैं, आप एफिशिएंट हैं तो ही आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज आपकी जॉब नहीं रहेगी। तो लोग अपनी जॉब बचाने के लिए कॉम्पिटिटिव हो गए, एफिशिएंसी दिखाने लगे और जो एक डेडवेट था वो नहीं बनता था प्राइवेट सेक्टर में। With more profits, expansion of MNCs are seen. अब क्या होता था, इसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन की वजह से वो कंपनीज होती थी वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कमाती थी। प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रही है तो उसकी वजह से वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकी खुद से। इट प्रमोट्स बेटर स्टैंडर्ड वेयर कंज्यूमर्स फाइंड हाई डिग्री ऑफ चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ मिलने लगी तो उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस आने लगे। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ कंपटीशन को लेकर आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे उनके पास कंज्यूमर्स की अलग अलग टाइप की डिमांड आने लगी। उन्होंने उस तरीके से वहाँ पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ थी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थी, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुई, वो काफ़ी इम्प्रूव्ड हुई। अब हम आते हैं इसके लॉसेस पे, प्राइवेटाइजेशन के लॉसेस क्या हुए। सोशल इंटरेस्ट बिकम ओनली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे उनका मोटो क्या होता था, ऑब्जेक्टिव क्या होता था, सोशल वेलफेयर। अब प्राइवेटाइजेशन के साथ क्या हुआ, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व्ड है कुछ कुछ एंटरप्राइजेज में जहाँ पे मैक्सिमम शेयर्स प्राइवेट के हैं, कुछ शेयर्स गवर्नमेंट के हैं, लेकिन ये जो सोशल जस्टिस का एक थ्योरी थी, एक जो कॉन्सेप्ट था वो अब सिर्फ कहने को रह गया है, वो अब अचीव नहीं होता है प्राइवेटाइजेशन के साथ। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में जो भी ओनर होगा वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेगा। Encourages free play of market forces and so goods are produced only for the one who can buy them. ठीक है, अब क्या है, मार्केट फोर्सेस पे जो प्राइवेटाइजेशन है वो काम करता है। मतलब जैसी डिमांड होगी वैसा सप्लाई करेगा। अगर इनके पास डिमांड है मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर की तो ये उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करेंगे, ये नॉर्मल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। जो इन्फीरियर गुड्स हैं, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज़ करते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है प्रॉफिट इनको कहाँ ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट इनको हायर क्लास में मिलेगा, तो इसलिए ये इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक अपना एलपीजी के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ योर ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन ऑल अबाउट। इट इज़ अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, पूरा जो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो पूरे आपके बिजनेस हैं उसको ग्लोबल कर देना। जो सिर्फ पहले इंडिया की बाउंड्री लाइन में था उसको अब एक वर्ल्ड लेवल पे ला देना। मतलब अब
हम एक ओपन मार्केट में आ गए हैं, जहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका एग्जांपल मैं लेती हूँ कि जैसे सिर्फ आपके इंडिया के अंदर आप जितना कर रहे हैं, पहले ये था कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे टैरिफ्स थे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, फिर एग्रीमेंट्स आपको करने पड़ते थे, गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, टैरिफ पॉलिसी होती थी, फॉरेन रिजर्व से आपको पूछना पड़ता था, एक्सचेंज रेट्स आपको फिक्स करने होते थे। अब कुछ नहीं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बना के आपको दे दिया गया है। आप कंपटीशन करिए, आप डीलिंग्स करिए, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिए, गवर्नमेंट का कोई भी हिंड्रेंस अब बीच में नहीं है, पूरा जो वर्ल्ड मार्केट है वो आपके लिए ओपन कर दिया गया है। दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच देयर विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्वांटिटी पे भी, जो पहले इंपोर्ट की क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन था वो भी हटा दिया गया है। अब इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, इनके बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी लेवल पे हो सकता है, गवर्नमेंट ने सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। पॉलिसी स्ट्रैटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, कौन कौन सी पॉलिसी स्ट्रैटेजीज हैं जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है उसको प्रमोट करती हैं। इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या किया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते थे कि वो कहीं इंडियन कंपनीज को ओवरटेक ना कर ले, वो चीज़ हटा दी गई। ठीक है, एक तरीके से आप ग्लोबलाइजेशन आप समझिए ना, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो पूरा मिक्सचर, उसका जो निचोड़ है वो आपका ग्लोबलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन में क्या था कि सारे जो बैरियर्स थे उनको हटा दिया गया। प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है। सेम चीज़ आप ग्लोबलाइजेशन में देख रहे हैं, इसका निचोड़ क्या है कि अब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी चाहें तो यहाँ पर आकर हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओवरटेक करने का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि पहले जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बचाया करती थी अब नहीं बचाएगी। अब जो कंपटीशन कर रहा है, जिसके पास पैसा है वो शेयर्स खरीदे, कोई किसी को इश्यू नहीं है। रेज्ड फ्रॉम 50 to 100%, जो इक्विटी शेयर्स पहले सिर्फ 40% तक लिमिट किए गए थे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, अब वो 100% तक दे दिए गए हैं। वो 51 से 100% तक चाहें तो यहाँ पे शेयर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बिजनेस, आपने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा है तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद होगी कि जिसके 51% शेयर्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जिसके पास होते हैं, ही बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो ओनर भी बन सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो 100% तक बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे, जो इंडियन मार्केट में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, वो इन्वेस्ट करने लगे। एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन कैपिटल अप टू 100%। जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस थे वो भी इन्वेस्ट कर सकते थे अब 100% तक। और इसके लिए फेमा एक्ट को इनैक्ट किया गया, विच वॉज फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या था, ये जो इस एक्ट के अंदर आप ये सारा जो है मैनेज कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया, हर चीज़ के लिए एक लॉ भी होना चाहिए, एक एक्ट होना चाहिए, जिसके लिए फेमा एक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट वी कम टू पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। व्हाट इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, इज अलाउड ऑफ इंडियन रुपी फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस। बेसिकली इट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट मार्केट प्राइसेस। मतलब कि आपको कोई भी रीजन से अगर फॉरेन करेंसी खरीदनी है, आप खरीद सकते हैं मार्केट प्राइसेस पे, अपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बैलेंसेस को क्लियर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। नाउ व्हाट इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, इम्प्लाइंग एज अ लिबरल पॉलिसी द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। ठीक है, लिबरलाइजेशन जैसे हुआ, लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको कंसिडर किया गया एज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मतलब कि 5 ईयर तो ये पॉलिसी यहाँ पे इनैक्ट रहेगी। अंडर दिस पॉलिसी ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन रिमूव्ड।
ठीक है, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड थे वो सब हटा दिए गए. मोस्ट गुड्स आर ट्रेडेड फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, राइट. नेक्स्ट वी कम टू रिडक्शन इन टैरिफ्स. व्हाट इज रिडक्शन इन टैरिफ्स? इन ऑर्डर टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन टैरिफ बैरियर्स हैव बीन रिमूव्ड. टैरिफ जो पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लगाते थे जिसकी वजह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन था, उसको भी हटा दिया गया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कॉम्पिटिशन. विड्रॉवल ऑफ क्वान्टिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस. एंड सिंस 2001 रेस्ट्रिक्शंस ऑफ क्वान्टिटी ऑन इम्पोर्ट आइटम्स हैव बीन विड्रॉन. ये आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था तो उसमें एक टॉपिक था कि इम्पोर्ट जो था उस पर भी लिमिट थी कि आप इतने लिमिट में ही इम्पोर्ट कर सकते हैं. तो वो जो एक रेस्ट्रिक्शन था वो भी हटा दिया गया था कि अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्वान्टिटी के ऊपर. आप जितना चाहें, अगर यू आर एबल, अगर आप खरीद सकते हैं, आप बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं, आप उतने बैलेंसेस को क्लियर कर सकते हैं, तो आप क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं. गवर्नमेंट इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगाता है.